ओके सो डीयू बाय डीएक्स का आंसर हमारा क्या आएगा, पहले स्क्वायर पे लगेगा टू साइन एक्स, फिर साइन एक्स पे लगेगा कॉस एक्स, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन टू एक्स. अब यहां आप टू साइन एक्स कॉस एक्स में भी छोड़ सकते हैं, वी हो जाएगा ई का तो ई ही रहेगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स. अब इसको हम यहाँ पे डाल दें तो डिवाइड में करना है, तो हमारा टू साइन एक्स कॉस एक्स द होल थिंग डिवाइडेड बाय ई टू द पावर ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. तो साइन एक्स कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन एक्स कट गया, ये गया ये गया, तो वी आर लेफ्ट विथ नेगेटिव टू कॉस एक्स ओवर ई टू द पावर ऑफ कॉस एक्स. इज दिस द आंसर दैट ऑल ऑफ अस हैव गॉट? नो सर. नहीं, मैं गलत हो गया थोड़ा. ओके आशी सर, टू साइन एक्स कॉस एक्स कहाँ से आया? टू साइन एक्स कॉस एक्स कहाँ से आया? ओके चेक करते हैं, फिर से मैं कर रहा हूं, आपका डी यू बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बेटा. अब सबसे पहले आप स्क्वायर पे लगाओगे, तो जब स्क्वायर पे लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स. ये क्लियर है बेटा? ये स्टेप क्लियर है बेटा? यस सर. अब चेन रूल लगेगा तो साइन एक्स पे भी लगेगा. हमारा सेकेंड फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन इज साइन एक्स, तो साइन पे भी लगाएंगे, तो अब साइन पे लगेगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, चेन रूल. आया बेटा? यस सर. शाबाश करण, आ गया. बहुत ही कह रहा हूं विकास, आ गया सही. ये जो लास्ट पे माइनस टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ई कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स नहीं कटेगा बेटा, ई के पावर में है. Okay, पावर में कॉस एक्स है, नहीं कट सकता. ठीक है,